क्या करेंगे, अंदर आपको जगह नहीं है तो आपको इधर बैठे हुए हैं सभी लोग, और देख सकते हैं बूढ़ी माँ आपको होश में नहीं है, इनको पूरा बेहोश हो गया, तो सभी लोग ले जा रहे हैं अभी दौड़ के। ये आपको दोनों तरफ पंडाल है और इस तरफ भी पंडाल है, लेकिन बीच में आपको रास्ता है आपको का पूरा आपको भीड़ जमी हुई है। यस, कलयुग में अब तक सबको देखा, सब महाराज को देखे, रामदेव महाराज को देखे, सबको देखे, पर ऐसे महाराज नहीं देखे। तो यस, ये भगवान के अवतार है, कलयुग में हमारे भारत में आए हैं, ऐसे लगता है कि अयोध्या के कुर्सी पे भी और भारत के कुर्सी पे भी इसी को बैठा दे। बागेश्वर बाबा की वजह से नौबतपुर का जो खेल है खत्म हो गया। जी आपने सही सुना, जो वहाँ का विधि व्यवस्था है वो देख कर आप दंग रह जाएंगे। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज देख रहे हैं आप। जिस तरीके से बागेश्वर बाबा वहाँ पे कथा सुना रहे हैं लोगों को और जो वहाँ की व्यवस्था है वो देख कर आप दंग रह जाएंगे, और दिन प्रतिदिन लोगों की जो जनसंख्या है वो बढ़ते जा रही है और सुविधा कुछ भी नहीं हो रही है। लोगों का तबीयत खराब हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। ये आपको दोनों तरफ पंडाल है और इस तरफ भी पंडाल है, लेकिन बीच में आपको रास्ता है आपको का पूरा आपको भीड़ जमी हुई है इधर से। पहले कई स्टॉल लगी हुई थी, जो श्रद्धालु वहाँ पे जाते थे, खाते थे, पीते थे, वहाँ पे रहने का भी व्यवस्था था पहले दिन के अकॉर्डिंग। लेकिन आज चौथा दिन है और वहाँ की व्यवस्था इतनी ख़राब है कि आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। इसका जिम्मेवार कौन है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे यही है आपको तिरहुत पाली मठ, जिनके प्रांगण में आपको धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का कथा का आयोजन किया गया है। बाबा कहाँ से आए हैं? अमेरिका नगरी से आए। कहाँ से? अमेरिका नगरी से आए। अमेरिका नगरी से बाबा महाराज मिथिला से आए। मिथिला से? मिथिला में कहाँ से? मिथिला से सीतामढ़ी से आए। सीतामढ़ी से आप आए? जी के किशोरी जी के यहाँ से, राम जी के साले हैं इसलिए निराले हैं। अच्छा, कब आए आप? हम कल आए, परसों आए। महाराज के बारे में क्या कहना चाहते हैं? महाराज के बारे में कहेंगे क्या, सब तो दिख ही रहा है आपके, फिर भी कहेंगे यस, कलयुग में अब तक सबको देखा, सब महाराज को देखे, रामदेव महाराज को देखे, सबको देखे, पर ऐसे महाराज नहीं देखे। तो यस, ये भगवान के अवतार है, कलयुग में हमारे भारत में आए हैं, ऐसे लगता है कि अयोध्या के कुर्सी पे भी और भारत की कुर्सी पे भी इसी को बैठा दे। अच्छा, बिहार की राजनीति में इससे कुछ रिलेटेड हो सकती है? हाँ, देखिए बिहार की राजनीति, आप याद रखिएगा, हम लोग संत आदमी है, तीन को काम हम लोग के लिए सबसे महत्व है, भगवान सेवा, माँ बाप सेवा और समाज और देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। अच्छा, तो ये तीनों हम लोग जरूर फॉलो करेंगे और मरते दम तक मनुष्य के जीवन बहुत बड़ा होता है, तो जरूर हम करेंगे। आज योगी जी देखिए, हमारा यूपी का जैसे यहाँ का गोरखपुर का जैसे अध्यक्ष था, आज हमारा पूरे यूपी को संभाल रहा है कि नहीं यहाँ संभाल रहा है? तुम कह रहे हो हमको राजनीति में नहीं आने के लिए? इडियट ब्लडी, तुम्हें पता नहीं है कि बाबा ही राज चलाया है और बाबा ही राज चलाएगा, इतना नहीं भूलना तुम लोग चोर क्या हमारे भारत माँ को चलाएगा। जय श्री राम। और इतनी भीड़ बिहार में कभी इसे पहले देखे तो किसी का साथ? इतनी भीड़ बिहार में ही नहीं, मैंने ऑल इंडिया में कहीं इतना बड़ा बड़ा जग में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तो जरूर इतनी भीड़ है, जरूर हमारे जो हमारे महाराज बैठे हैं उनमें भगवान का वास है, हमारे राम जी भी आ रहे हैं, अयोध्या जी में राम मंदिर खुलेगा और हमारा पूरा भारत राम राज कहलाएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहारी प्रतिभा न्यूज़। धन्यवाद।